10 इंट्रोडक्शन टू सीएसएस है हमारे पास, जिसमें हमें ये इस बुक में पहली दफ़ा बताने जा रहे हैं कि जी ये सीएसएस होता क्या है और ये काम क्या करता है। तो आते हैं जी, ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ सीएसएस। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, तो जी इन दिस सेक्शन वी विल लुक हाउ टू मेक योर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव। आपके वेब पेज को मज़ीद अट्रैक्टिव कैसे बनाना है वो यहाँ पर डिस्कस होगा, एंड कंट्रोलिंग द डिज़ाइन ऑफ देम यूजिंग सीएसएस, और आपके वेब पेज के डिज़ाइन को कैसे कंट्रोल करना है वो भी यहाँ पे बात डिस्कस होगी। अच्छा, अब ये जो डिज़ाइन यहाँ पे बात हो रही है, तो इस डिज़ाइन पे हम बाद में आते हैं, ज़रा पहले ये इंट्रोडक्शन हो जाए सीएसएस का। ये इंशाल्लाह जब हम कलर वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये डिज़ाइन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ जब डिज़ाइन बोला जाता है ना तो उसका परसेप्शन हमारा कुछ और होता है ना डिज़ाइन का, लेकिन एक्चुअल में जो बुक में डिज़ाइन में बात होती है या जब गोरा कोई बात करता है डिज़ाइन की, तो वो डिज़ाइन एक मुख्तलिफ परसेप्शन से बात कर रहा होता है वो। लेकिन ये अभी हम इस लफ्ज़ को यहीं छोड़ते हैं और आगे ये कहते हैं कि जी सी एस एस अलाउ यू टू क्रिएट रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ द कॉन्टेंट ऑफ एन एलिमेंट शुड अपेयर। अब ये सी एस एस में हम रूल लगाते हैं, जैसे हम एच टी एम एल में मार्कअप्स लगाते थे, इसमें हम लगाते हैं रूल, और वो रूल डिसाइड करते हैं कि जी अपेयर कैसे होगा एलिमेंट आपका स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज स्क्रीन, ऑल पैराग्राफ शुड अपेयर इन ग्रे कलर, एरियल टाइप फेस एंड सो ऑन। कि आप अगर ये कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो आप कर दें क्रीम कलर कर दें, या पैराग्राफ का फला कलर कर दें आप, या फला पैराग्राफ पर आप बॉर्डर लगा दें, तो ये सारा काम ना रूल, हर एक काम के लिए एक रूल आप बनाएंगे और उस रूल को आप अप्लाई कर देंगे उस एलिमेंट के ऊपर तो वो चल जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसने बात लिखी है कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने यहाँ पे लिखी है कि वंस यू हैव लर्न हाउ टू राइट सीएसएस रूल्स, आपको वंस पता चल जाएगा ना कि सीएसएस के रूल बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, तो रिमेनिंग सीएसएस मोस्टली इन्वॉल्व लर्निंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट कैन बी यूज्ड। अब वो जैसे HTML में हमने देखा था कि जी मार्कअप हमने लगाना सीख लिया था, तो उसके बाद का सारा प्रोसेस था कि अच्छा जी कौन कौन से मार्कअप अवेलेबल हैं, 15, 20, 25, 30 हमने मार्कअप सीखे, लेकिन वो पहली क्लास ही थी असल क्लास जिसमें हमने मार्कअप को लगाना सीख लिया था। बाकी हमने आगे फिर जो डिफरेंट मार्कअप अवेलेबल थे उनको जस्ट एक्सप्लोर ही किया और इतना ख़ास कुछ नहीं किया। तो CSS में भी इन्होंने ये बात की है कि जी आप ये रूल लगाना सीख गए ना, वंस रूल लिखना सीख गए कि लिखे कैसे जाते हैं, तो बाकी का जो रिमेनिंग होगा ना आपका जो CSS में जो पढ़ाई होगी वो ये होगी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। जैसे कि दो प्रॉपर्टी का तो इसने ज़िक्र कर दिया, बैकग्राउंड कलर का ज़िक्र कर दिया इसने, और इसने जो है ना टाइप फेस का ज़िक्र कर दिया, फॉन्ट का ज़िक्र कर दिया। ठीक है, तो इस तरह कौन कौन सी और स्टाइलिंग है जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा जी बॉर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, तो बॉर्डर आ गया एक। अच्छा जी मैं जो है वो फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ, फोरग्राउंड कलर एक आ गया। अच्छा जी और मैं ड्रॉप शेडो लगा सकता हूँ किसी एलिमेंट का भी, जो शेडो बन गया है ये भी कर सकता हूँ। अच्छा जी मैं कॉर्नर को गोल कर सकता हूँ और बॉर्डर रेडियस है। तो ये जितनी अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ है ना जो जो हम लगा सकते हैं, तो बाकी फिर हम वही एक्सप्लोर करेंगे। रूल लगाना कैसे है वो आज की क्लास में ये हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अब जो ये आगे बात कर रहा है कि इंट्रोड्यूस यू हाउ CSS वर्क्स, अब CSS काम कैसे करता है वो बात करेंगे हम। टीच यू हाउ टू राइट CSS रूल, पहला CSS का रूल लिखना सिखाएंगे आज ये आपको। अच्छा, शो यू हाउ CSS रूल अप्लाई ऑन HTML पेजेस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी, ये एक वेब पेज इन्होंने बनाकर दिखाया जिसमें हेडिंग का कलर चेंज हुआ है, टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक नहीं है, क्योंकि ये वाला टेक्स्ट का कलर ब्लैक है और ये वाला जो है ना जो वेब पेज के अंदर दिख रहा है ये ब्लैक नहीं है। अच्छा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी पूरा वाइट नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट होता है पूरा वाइट होता है, तो ये एड्रेस बार के अंदर जो वाइट कलर है ना इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये बैकग्राउंड कलर जो, लेकिन वो इस स्क्रीन पे शायद फील नहीं हो रहा इतना प्रोजेक्टर पे, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस है मेरे ख्याल में। तो ये इस तरह का पेज है कि अगर आप बना लेते हैं ना ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, तो ये मतलब सही हो गया, आपको समझ आ गया ये चैप्टर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बात की है अंडरस्टैंडिंग CSS में कि जी थिंक इनसाइड द बॉक्स। अभी हम कहते हैं ना आउटसाइड द बॉक्स आप सोचना सीखें,
ये कह रहे नहीं आपने ना थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स मुहावरा इसने मैंने उल्टा कर दिया उस मुहावरे को। बहरहाल इस मुहावरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बताना ये चाह रहा है कि भाई द की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ सीएसएस वर्क इज़ टू इमेजिन दैट देयर इज़ एन इनविजिबल बॉक्स अराउंड एवरी एचटीएमएल एलिमेंट। अच्छा जी, अब ये वो एचटीएमएल पेज है, इमेजिन करें कि जी ये हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, ये दो पैराग्राफ है, ये तीन पैराग्राफ है, तो ये टोटल एक वेब पेज है ऊपर से लेके नीचे तक, और इसका इन्होंने टाइटल रखा है द कॉटेज गार्डन। इस पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये बुक का राइटर आपसे कह रहा है कि आप इमेजिन करें हर एलिमेंट के ना सराउंडिंग में एक इनविजिबल बॉक्स है, आप ऐसे इसको सोचें। अच्छा क्यों सोचें? वो क्योंकि यहीं पे बात वो भी लिख दी है इसमें कि जी HTML जो है ना इसको इसी तरह ट्रीट करता है। ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द पेज यू कैन सी द सेम HTML पेज बट आई हैव एडेड आउटलाइंस टू ईच ऑफ द एलिमेंट सो यू कैन सी हाउ CSS विल ट्रीट ईच एलिमेंट एज इफ लिव्स इट इन ओन बॉक्स। वो कह रहा है कि आप सामने वाले पेज पे देखेंगे ना, अभी तो सामने वाले पेज इस पर नहीं दिख रहा, वो अभी मैं वो वाला लगाता हूँ तो दिखेगा, ये टू पेज मैंने व्यू खोल लिया, जैसे बुक में फिजिकल बुक में होता है ना दो पेज होता है एक तरफ और आमने सामने होता है, तो ये असल में वो फिजिकल बुक के हिसाब से इसने लिख दिया कि वो सामने वाले पेज पे। तो कह रहा है कि आप अगर इसको देखेंगे ना कि CSS इसको कैसे ट्रीट करता है कि हर एलिमेंट अपने बॉक्स के अंदर रहता है, इट CSS ट्रीट लाइक एवरी एलिमेंट सिट्स इट इन इट्स ओन बॉक्स। अच्छा अब आप देखते जाएं, पहला एलिमेंट है H1 हेडिंग है, उसका ये बॉक्स आ गया। अच्छा दूसरा पैराग्राफ है, उसका ये बॉक्स आ गया, तीसरा पैराग्राफ, चौथा भी पैराग्राफ है, तो ये चार एलिमेंट ये हो गए। अब पैराग्राफ के अंदर आप देखें एक वर्ड है जो इटैलिक हुआ हुआ है, ये इसका अपना एक बॉक्स, क्योंकि इटैलिक आई का टैग लगाया होगा तो आई का जो एलिमेंट वो बन गया, जाहिर है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मिला के और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मिला के एलिमेंट होता है, तो ये एलिमेंट का एक अपना बॉक्स बन गया। इसी तरीके से एक अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसका एक अपना बॉक्स बन गया। अच्छा अब मैं अगर बोलूँगा ना कि जी CSS का कोई रूल अप्लाई करना है मैंने, तो इन बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स पे होगा, ठीक है, इन बॉक्सेस पे CSS का रूल अप्लाई होगा। CSS को ये नहीं पता कि ये हेडिंग जो है वो ये क्या है, वो इसको एज अ एलिमेंट ट्रीट करता है। CSS हर एलिमेंट को ऐसे देखता है कि जी जैसे वो एक बॉक्स है। अब वो हम अभी ख़ुद से भी देखते हैं, अभी हम बनाएंगे हमारा पहला CSS का पेज। अच्छा तो ये थिंकिंग की बात हो गई, इमेजिनेशन की बात हो गई, अब ये ज़रा रियलिटी की बात हो रही है कि जी CSS जो है ना वो कैसे बनती, कैसे लगती कैसे है। तो यहाँ पे कह रहे हैं CSS एसोसिएट स्टाइल रूल। अब ये कह रहे हैं कोई स्टाइल का रूल बनता है कोई, उसको क्या करता है CSS एसोसिएट कर देता है विथ एलिमेंट्स। अच्छा तो अब हमने क्या करना है, हमने भी यही करना है जो CSS करता है ना, ये हमें सीखना है। अब सबसे पहले तो ये स्टाइल रूल जो है ये बनाते हैं भाई भैया, और उसको एसोसिएट करते हैं हम किसी एलिमेंट के साथ। अच्छा एलिमेंट के साथ इसने S लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक रूल को एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ भी एसोसिएट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये गौर तलब बात है कि जी CSS एसोसिएट्स स्टाइल रूल विथ HTML एलिमेंट्स, कि जी एक स्टाइल रूल आपने बनाया तो उसको आप 10 एलिमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने दो रूल बनाया उसको भी आप 10 एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। CSS वर्क बाई एसोसिएटिंग द रूल विथ HTML एलिमेंट्स, दीज रूल गवर्न हाउ द कॉन्टेंट ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। अब ये रूल जब हम एसोसिएट करते हैं ना किसी एलिमेंट के साथ, ये स्टाइल रूल जो है, तो वो स्टाइल रूल की गवर्नमेंट होती है कि वो कैसे उसको रूल करे। मिसाल के तौर पे एक H1 पे मैंने एक रूल लगाया स्टाइल का, तो वो रूल डिसाइड करेगा, उस वो रूल के हाथ में आ गया कंट्रोल कि वो H1 अब कैसा दिखेगा। अ CSS रूल कंटेन्स टू पार्ट, सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जी कुछ इस तरह का दिखेगा आपका CSS, और इसमें जो ये वाला पार्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड सेलेक्टर,
और ये वाला पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड डेक्लेरेशन। अच्छा, अब फिर इसमें सामने वाले पेज पे, क्योंकि ये टू पेज व्यू मैंने खोल दिया है अभी, सामने वाले पेज पे इन्होंने कहा कि जी अच्छा सेलेक्टर में ना उस पेज पे तो लगाया हुआ था सिर्फ पी, यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाया हुआ था कि जी ये पैराग्राफ पे अप्लाई, अच्छा पैराग्राफ पे क्या अप्लाई हो रहा था, फॉन्ट फैमिली एरियल, यानी कि उसका फॉन्ट चेंज किया जा रहा था कि एरियल फॉन्ट में वो नज़र आए। अब यहाँ पे इन्होंने सेलेक्टर पे देखे कॉमा कॉमा करके तीन एलिमेंट का नाम लिख दिया। इसका मतलब है कि पेज पे जितने भी इस HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी H1 हैं, जितने भी H2 है, जितने भी H3 हैं, सबके कलर को कर दिया जाए येलो और सबके फॉन्ट फैमिली को एरियल कर दिया जाए। ठीक है, ये एक स्टाइल रूल ये इन्होंने लगाना और एसोसिएट करना बता दिया। और इस पेज में ये भी बात बताई जा रही है कि जी ये एक जो रूल है ना पूरा, ये किससे मिलके बनता है, एक रूल प्रॉपर्टी और वैल्यू से मिलके बनता है। ठीक है, ये तो हो गया ना कि जी ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, सेलेक्टर है, और ये बाकी का जो ये पार्ट है ये रूल्स हैं। अच्छा, इसमें से हर एक रूल में क्या होगा, एक अदद प्रॉपर्टी होगी और एक अदद वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे जैसे H1 है, अब H1 पे कलर की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है और कलर के अगेंस्ट में जो वैल्यू दे रहा हूँ वो कुछ सर्टन वैल्यूज़ हैं कि अच्छा जी ये वैल्यू कलर के अगेंस्ट दी जा सकती है। अब कलर के नाम लिखे जा रहे हैं तो वो 255 नाम होते हैं कलर के, वो लिख सकते हैं इसके आगे, या कलर का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हर प्रॉपर्टी हर एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये इस वजह से यहाँ पे बात हो रही है। मिसाल के तौर पे H1 के ऊपर ना जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी प्रॉपर्टी दूसरे पे भी अप्लाई हो। अच्छा क्यों, मिसाल के तौर पे टेबल है, टेबल के ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है सेल स्पेसिंग। अब वो सेल स्पेसिंग जो है, क्योंकि H1 में तो वो अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि H1 में सेल नहीं होते, तो वो वाली प्रॉपर्टी जो है ना सेल स्पेसिंग, वो ख़ास सिर्फ टेबल पे लगेगी, उसके अलावा किसी पे नहीं लगेगी। अगर H1 पे H2 पे मैं उसको लगाता हूँ तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ज़ीरो इम्पैक्ट होगा उसका। ठीक है जी, तो इसने दो बात, ये असल में इसने क्या किया है यहाँ पे, इसको बाइसेक्ट करके बता दिया है कि जी ये इसके कंपोनेंट्स हैं। जब कोई भी स्टाइल रूल हम बनाते हैं तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे बता दिया है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली ये याद अभी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बाइसेक्शन इसने ये क्यों बताई है कि ज़ाहिर है जब दो इंजीनियर आपस में बात करते हैं ना तो वो टर्मिनोलॉजीज़ में बात करते हैं। ठीक है, जब दो इंजीनियर आपस में बात करते हैं, या दो जो भी आप कह लें, मैथमेटिशियन कह लें या जो भी, वो साइंटिस्ट की बहुत सारी किस्म होती है, कोई इंजीनियर होता है, कोई वो क्या कहते हैं मैथमेटिशियन होता है, तो कोई वो आपका बायोलॉजिस्ट होता है, कोई माइक्रो बायोलॉजिस्ट होता है, तो वो कोई भी किसी भी किस्म के इंजीनियर की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो जब आपस में बात करते हैं ना तो वो टर्मिनोलॉजीज़ में बात करते हैं। तो ये आपको इसलिए पता होनी चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी बताने का मकसद इसका ये है। अच्छा, अब जैसे सेलेक्टर है, अब ये सेलेक्टर नहीं बोले इसको तो बंदा क्या बोले, ये तो बड़ा मसला है। अगर सेलेक्टर नहीं पता होगा बंदे को तो बंदा कैसे बताएगा कि क्या लगाना है। ठीक है, मैं और आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम वो कहते हैं ना डिग्री 40, जो एंगल वाला जो डिग्री होता है ना, एंगल को मेजर करने के लिए जी 45 डिग्री, 90 डिग्री। अब अगर मैं किसी मज़दूर को बताना चाह रहा हूँ या किसी इंजीनियर को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जी इस सीढ़ी को आपने बनाना है, ये जो आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने की सीढ़ी है, इसको 45 डिग्री पे बनाना है। अच्छा, लेकिन डिग्री का लफ्ज़ यूज़ किए बगैर ये मैं उसको कैसे बताऊंगा? मैं उसको इशारे से बताऊंगा कि यार इसको ज़रा ऐसे यूँ कर दो इशारे। अब वो पता चला है कि इशारा मैंने किया यूँ और उसने इशारा थोड़ा सा यूँ समझा और मज़दूर ने थोड़ा सा यूँ समझा तो सब बेड़ा कर। तो अब वो आपका जो सीढ़ी है ना, आपकी सीढ़ी वो उतनी सीधी होगी जितना मजदूर का हाथ सीधा है, तो ये मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे ना अगर एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होगा कि जी 45 डिग्री, वो यूनिवर्सल है सब जगहों पे, वो हर इंजीनियर को पता है, और ज़ाहिर है उस इंजीनियर के अंडर में जो मज़दूर काम करते हैं उनको भी किसी ना किसी दर्जे में वो पता तो होता ही है। तो टर्मिनोलॉजी का बड़ा अहम रोल है ना। अच्छा, बताया मैं बगैर उसके भी दूंगा, बगैर डिग्री का इस्तेमाल किए लफ्ज़ भी बताया जा सकता है उसको, लेकिन फिर उसके लिए वो पूरा मज़मून लिखना पड़ेगा, पूरा उस बाकायदा इंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। अगर मुझे गलती से बचना भी है और मुझे डिग्री का वर्ड भी नहीं पता तो भी बता तो दूंगा मैं, बात जब भी कन्वे हो जाएगी, लेकिन मुश्किल से कन्वे होगी।
मज़मून पूरा लिखना पड़ेगा, लंबी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप किसी इंजीनियर को आप ये लंबी बात बताना शुरू करेंगे ना, तो दो चार मिनट में वो समझ जाएगा, अच्छा ये तो डिग्री की बात हो रही है, तो वो कहेगा अच्छा ये 45 डिग्री, तो अपने पास वो डिग्री में ही नोट करेगा आपका लंबा मज़मून सुनने के बाद। तो आप देखें ये टर्मिनोलॉजी का बड़ा काम है। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजी ये बताया जा रहा है ना यहाँ पर, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। भले आप इसको अभी फ़ौरन आप इसको मेमोराइज ना भी करें ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ये इन्होंने ना एक कोड यहाँ पे लिखकर बताया कि जी ये होगा HTML का कोड और साथ में होगा ये CSS का कोड, ठीक है। इसको अभी हम प्रॉपरली ज़रा करके भी देखते हैं कि जो है ना, बल्कि यही पहले कर लेते हैं, इसको वापस मैं कर देता हूँ कंटिन्यूस स्क्रॉल। अच्छा, ये हमारा जो पहले का कोड था वो खुला हुआ है, ठीक है जी। इसमें मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ 1.html, और ये सारा का सारा जो वर्क है ना पहले वाला, उसको मैं उठा के एक अदर इस फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, और एक और फोल्डर बना देता हूँ मैं, उसका नाम रखता हूँ ठीक है, क्लीन हो गया थोड़ा। HTML के फोल्डर में सारा HTML का कोड, अब CSS के अंदर अब मज़ीद हम कोड लिखने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ CSS के फोल्डर के अंदर, मैंने कहा index.html, एक बेसिक HTML का पेज बना लेते हैं। और इस बेसिक HTML के पेज पे मैंने एक H1 लगाया और मैंने कहा कि जी इंट्रो टू CSS, और CSS 3 मैंने साथ में लिखा, क्योंकि CSS का जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है और जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ वर्जन 3। अच्छा, CSS को लगाने के ना तीन तरीके हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। नंबर एक तरीका है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल का टैग लगाते हैं। अच्छा, स्टाइल का टैग हेड के अंदर लगाएं तो बेहतर है, लेकिन कहीं और भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये हेड में लगाना क्यों ज़रूरी है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट ज़रा हेलो वर्ल्ड इसका चला के देखते हैं। तो स्टाइल का टैग ओपन किया है और क्लोज़ किया है मैंने, और ये कहाँ पे किया है मैंने, हेड के अंदर किया है, ठीक है। हेड के शुरू में या हेड के आखिर में ये मैटर नहीं करता, हेड में बस होना चाहिए वो। अच्छा, और यहाँ पर आके मैंने बोला जी H1, और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज़ की मैंने, और मैंने कहा कि जी कलर रेड, ठीक है। इस कलर का मतलब है फोरग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर का मतलब है, बैकग्राउंड कलर का मतलब है बैकग्राउंड कलर, सही है। एक को मैंने फोरग्राउंड को कर दिया रेड और बैकग्राउंड को कर दिया ग्रीन, पूरा गोलागंडा कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो ये मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब है ये जो है ना सेलेक्टर, इस पार्ट को सेलेक्टर कहते हैं। तो सेलेक्टर में मैंने ये बात लिखी है कि जी जितने भी H1 के एलिमेंट मिले ना, सब में ही अप्लाई कर दो आप। और क्या अप्लाई कर दो, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ये दो रूल अप्लाई कर दो सब लोगों पे। अच्छा, तो मैं एक को फ़िलहाल रोक देता हूँ, सही है। ये कमेंट मैंने कर दिया है, CSS में कमेंट इस तरह से होता है, ठीक है। जो HTML का कमेंट था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो कुछ इस तरह का होता था ना। तो ये शॉर्टकट की वही है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, यही शॉर्टकट की है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं एक को रोक रहा हूँ ताकि एक को चलाएँ, फिर दूसरे को इनेबल करके दोबारा चलाएँ। तो ये जी मेरा H1 अगर कोई भी होगा ना पेज पे, जितने भी H1 होंगे उन सब पे ये कलर रेड हो जाएगा। अब इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी पास्ट करके और खोल के देखता हूँ कि क्या रिपोर्ट है। ये जी मेरा जो H1 था ना, वो क्या हो गया, वो रेड हो गया। अच्छा, अब एक तो फॉरग्राउंड कलर लगाया था, एक रूल और है, उसको भी ज़रा खोल देते हैं ताकि गोलागंडा पूरा हो जाए, ठीक है। पूरा गोलागंडा हो गया। तो ये हमने दो रूल अप्लाई कर दिए, लेकिन किस पे अप्लाई किया हमने, सारे H1 के एलिमेंट्स पे, जितने भी H1 के एलिमेंट थे सब पे अप्लाई कर दिया। अगर मेरे पेज के ऊपर एक पैराग्राफ भी मौजूद है तो उस पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी जब तक मैं करूँगा नहीं।
ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे बना दिया, लेकिन इस पैराग्राफ पे जब तक मैं कोई टेक्स्ट जो जो उस पैराग्राफ के ऊपर जब तक कोई स्टाइल मैं अप्लाई नहीं करूँगा, खुद से ज़ाहिर नहीं होगा वो। अच्छा, अब ये सेलेक्टर में ना मैंने कॉमा लगा के मैंने कहा पी, ठीक है, मतलब सेलेक्टर में हमारे पास ये ऑप्शन है कॉमा कॉमा करके जितने भी टैग्स का नाम बता दूँ वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब ये पैराग्राफ के एलिमेंट के साथ भी यही करेगा। मैंने बोला भाई इस पर भी अप्लाई कर दो, तो मैंने सेलेक्टर में एच वन का और पैराग्राफ का दोनों का नाम लिख दिया, तो दोनों पर लग गया वो। ठीक है, रूल ये दो रूल हैं। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अलग से पैराग्राफ का बना दूँ कुछ, ये तो चलो जी H1 और पैराग्राफ में जो कॉमन था वो मैं इस तरह कर देता, बट मैं पैराग्राफ पे क्या करता हूँ आगे, पैराग्राफ पे मैं बोलता हूँ कि जी आप ना बॉर्डर लगाओ इसके ऊपर 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक। सही है, बॉर्डर मैंने लगा दिया। अच्छा, अभी इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अब एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट कि यार ये क्या मुश्किल सी प्रॉपर्टी लग गई कि जी 1 पिक्सल भी सॉलिड भी और ब्लैक भी। सॉलिड का आई मिस कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने इस बार क्या किया, अब पैराग्राफ के लिए अलग से एक रूल बना के और उसको अलग से मैंने अप्लाई किया। अच्छा, ये जो तरीका है ना सीएसएस लगाने का, इसको हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस, और ये तरीका नॉट रिकमेंडेड, दिस वे, ये इंटरनल सीएसएस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो एक दूसरा तरीका है, अब उसकी तरफ हम चलते हैं, उस पर देख लेते हैं क्या रिपोर्ट है उसकी। अच्छा, इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, इस पूरे को मैंने कमेंट कर दिया ये, ताकि ये कोड यहाँ पे मौजूद रहे, जस्ट इस वजह से कि ये कोड यहाँ पे मौजूद रहे, बट दिस वे इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। दूसरा तरीका जो है वो इंटरनल सीएसएस के बाद हमारे पास है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में क्या होता है जी कि ये H1 का जो टैग है इस पर हम एट्रीब्यूट लगा देते हैं स्टाइल का, और इस पर कलर कॉलन रेड, इससे भी अप्लाई हो जाएगा, इसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखें ये अप्लाई हो गया, साथ में मुझे बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करना है, कॉलन लगाया और सेमी कॉलन लगाया मैंने, और मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर, और मैंने कह दिया कि जी ग्रे, फोरग्राउंड रेड बैकग्राउंड ग्रे, ये दोनों अप्लाई हो गए। ठीक है, ये वाला जो तरीका है ये क्या कहलाता है, इनलाइन सीएसएस कहलाता है, और दिस तरीका इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अभी हम रिकमेंडेड की तरफ मूव करने लगे हैं। अब तीसरा जो है हमारा थर्ड, वो रिकमेंडेड है, इसको भी मैंने कमेंट करके यहाँ पे छोड़ दिया ताकि ये यहाँ मौजूद रहे। नंबर तीन तरीका जो है हमारे पास, जो कि रिकमेंडेड तरीका है, वो क्या है कि जी आप आएंगे यहाँ पर और HTML की फ़ाइल के साथ साथ आप क्या करेंगे, एक CSS की फ़ाइल बनाएंगे, styles.css। अच्छा, इसका नाम स्टाइल, जैसे इंडेक्स में तो बताना है कि जी इसका नाम index.html ही होना चाहिए और केस सेंसिटिव होना चाहिए, सारा स्मॉल में होना ज़रूरी है, एक कैरेक्टर भी आपने चेंज किया तो गड़बड़ करता है वो। स्टाइल की फ़ाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टाइल में ये है कि .css लगाना तो ज़रूरी है, चलो क्योंकि वो एक्सटेंशन है वरना उसको पता ही नहीं चलेगा css की फ़ाइल है, लेकिन नाम इसका आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। आमतौर पर इसमें जो डिफरेंट नाम यानी मोस्ट कॉमनली जो देखने में आते हैं वो है स्टाइल्स हैं सबसे कॉमन, main.css या app.css, इस तरह के नाम इसके रखे जा सकते हैं। तो इसके नाम रखने में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका कोई भी कॉमन नाम आप रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं क्या बोलता हूँ जी कि H1, अच्छा अभी मैं वापस जाके ज़रा देखता हूँ ये सारी स्टाइलिंग, क्योंकि सारी स्टाइलिंग जो मैंने लगाई थी वो मैंने हटा दी है, तो वापस ये जो है ना बगैर स्टाइलिंग के शो होने लगा है अभी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे स्टाइल में आके लिखता हूँ मैं H1, और H1 के आगे ये लगा के ना मैंने दोबारा इसका कलर जो है वो कोशिश की है, इसका कलर अब की बार हम कुछ और करते हैं, ब्लू कर देते हैं कलर, हम वॉलेट ब्लू। सही है जी, ये हमने इसका कलर कर दिया। और अब मैं आता हूँ वापस अपने पेज पे और आके इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये कुछ भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने क्या किया, सिर्फ फाइल बनाई है। इस फाइल को बनाने के बाद अगला काम मुझे ये करना है कि मेरे, क्योंकि हम तो देखें HTML के पेज को रन कर रहे हैं ना, हम तो CSS की फ़ाइल को तो रन नहीं कर रहे हैं,
हम HTML के पेज को रन कर रहे हैं, तो इस HTML के पेज पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि जनाब जैसे ही आप चलोगे, जैसे ही आप रन होगे, तो आपने फलां जगह जाके ये फ़ाइल पूरी स्टाइल की उठा लेनी है। वो हम कैसे बताएंगे, वो हेड के अंदर अगेन आकर मैं लिंक का एक टैग लगाऊंगा, ठीक है जी। और लिंक का टैग लगाने के बाद देखें इसमें ये href ऑटोमेटिकली बना हुआ आ गया और ये रिलेशन स्टाइल शीट ऑटोमेटिकली बना हुआ आ गया, ये VS Code के इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, href में मैं डॉट स्लैश लगाऊंगा जैसे ही, तो ये style.css मेरे सजेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे HTML को ये बात पता है कि जी हमने स्टाइलिंग कहाँ से उठानी है, इस फाइल में से उठानी है। जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है। वॉलेट ब्लू मैंने कर दिया था, वॉलेट ब्लू हो गया ये। तो ये जो इंटरनल CSS मैंने लगाई थी ना सारी, यही सेम स्टाइलिंग में जाके जो है वो इधर लगाऊंगा तो इट्स परफेक्टली फाइन, ये चलेगा। कलर थोड़ा थोड़ा इसका हम चेंज कर देते हैं, अब की बार इसका कलर मैं ऐसा कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। बॉर्डर का कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। थोड़े अतरंगी कलर मैंने किए, ऐसे कलर जो प्रोजेक्टर पे आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें, ये वो वाले कलर मैंने किए हैं, ठीक है जी। तो ये तीसरा जो तरीका हमने देखा है ये रेकमेंडेड तरीका है, और अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये हेलो वर्ल्ड हमारा कंप्लीट हो गया है CSS का ना, हमारा CSS का जो हेलो वर्ल्ड था ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो वो पूछ सकता है। आपका सवाल मैं समझा नहीं, अपना सवाल ज़रा मज़ीद अच्छे से बताएं आप। हाँ नहीं, डॉट CSS तो लगाना ज़रूरी है, लेकिन स्टाइल्स जो मैंने इसका नाम रखा है, स्टाइल्स के अलावा भी कोई नाम रख सकते हैं आप, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नाम रखेंगे फिर आपने जो है ना यहाँ पे वही नाम लगाना है। अच्छा, अगर मैं आपका सवाल सही समझाऊँ तो असल में सवाल इनका ना, और बहुत वैलिड सवाल है ये, बहुत वैलिड सवाल है ये कि जी क्या इनका असल सवाल जो है वो ये, मैं समझाऊँ कि क्या अगर मेरे पास दो पेजेस हैं HTML के, तो क्या मुझे ये दो फाइल अलग अलग बनानी होगी CSS की, या एक ही से काम होगा? अगर दूसरी बनाऊंगा तो दूसरी का क्या नाम रखूंगा मैं, क्योंकि HTML में तो पहले का नाम इंडेक्स ज़रूरी होता है, बाकियों का अपनी मर्ज़ी होती है। इसमें पहले में अपनी मर्ज़ी का नाम है, तो क्या दूसरे में भी अपनी मर्ज़ी का नाम होगा? तो इसका जवाब ये है कि ये style.css की जो फ़ाइल बनी है ना अलग से, और ये जो रेकमेंडेड वे है, ये इसी वजह से है कि स्टाइल की फ़ाइल हम एक ही बनाते हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ़ाइल को मैं चार, मेरे पास अगर चार पेजेस की वेबसाइट होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं एक style.css बनाऊँगा और चारों पेज से उसी को कनेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन कि मैं एक फ़ाइल बनाऊँ और दूसरी फ़ाइल ना बनाऊँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं चार HTML पेजेस के लिए चार अलग अलग फ़ाइलें भी बना लूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे फिर ना ये इस फाइल का मकसद फौत हो जाएगा। देखें, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS को डिस्करेज क्यों किया गया है? डिस्करेज इसको इस वजह से किया गया है कि जी जैसे आपके पास अभी तो चार पेजेस वाली वेबसाइट हम बना चुके हैं ना, यहाँ पे तो एक होता है नेव बार। अब उस नेव बार वो एग्जैक्टली सेम होता है चारों पेजेस पे, वो तो एग्जैक्टली आप सेम रखते हैं चारों पेजेस पे, और ताकि वो मूव ना करे। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो वो नेव बार मूव ना करे। अब उस नेव बार पे जो स्टाइलिंग लगी हुई है, अगर तो आपने लगाया इंटरनल स्टाइल ये वाला, तो वो चारों में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और स्टाइलिंग का कोड निस्बतन नेव बार के HTML से भी ज़्यादा होता है। यानी नेव बार को बनाने के लिए जितना आपने HTML का कोड लिखा है, स्टाइलिंग का कोड हमेशा उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। तो वो कोड रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो कोड रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इंटरनल स्टाइल शीट को डिस्करेज इसीलिए किया गया कि ये स्टाइल हम रखेंगे उस फाइल में, और क्लास के ज़रिए हम फिर चारों पे अप्लाई कर देंगे, चारों पेजेस पे हो जाएगा हमारा काम हल मसला, ठीक है। तो
असल में हम क्या करेंगे, 4 पेज या 5 पेज या 10 पेज भी हो हमारे पास, तो फाइल एक ही बनाएंगे, उसी में स्टाइलिंग करेंगे हम, और क्लास के ज़रिए उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चारों पेजेस में। जो पेज ओपन होगा, जो क्लास अवेलेबल होगी उस पर वो अप्लाई हो जाएगा, जो क्लास पेज पर मौजूद नहीं होगी वो स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, दैट्स इट। ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं 4 पेजेस के लिए 4 अलग अलग फाइलें बना लूँ, लेकिन उससे होगा क्या कि वो फाइल बनाने का मकसद जो था ना एक्चुअल, कि कोड रिपीटेशन से बचा जा सके और कोड थोड़ा कम लिखना पड़े, वो मकसद फौत हो जाएगा। तो फिर इसलिए ना 4 अलग अलग फाइल हम कभी भी नहीं बनाते। ठीक है, लेकिन बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो हम 4 अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जो हमने? हाँ, चारों पेजेस के H1 पे ही अप्लाई होगा। अच्छा, पहले मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं आपसे सवाल, मैं आपका समझा नहीं हूँ, मैं दोबारा लेता हूँ आपका सवाल। अच्छा, अब इसको गौर से देखें आप ज़रा ना, ये जो हेडिंग है ना यहाँ पे, ये हेडिंग जो है, ये किसी दूसरे पेज पे भी चला जाऊँगा ना, ऐसी वाली हेडिंग का स्टाइल सेम होगा। तो पहली तो बात ये कि जी वो H1 के ऊपर जो मैंने जब कोई स्टाइलिंग लगा दी ना अगर, तो अगर आपकी वेबसाइट में 4 पेजेस हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मेन हेडिंग जो है वो 4 पेज पर अलग अलग होगी, या जो जो H2 है आपकी यानी सब हेडिंग है वो 4 पेजेस पे अलग अलग होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, आमतौर पे वो एक जैसी ही होती है। अच्छा, लेकिन अलग हो भी सकती है, कभी हो सकता है किसी केस में अलग हो जाए, मेजॉरिटी केसेस में तो सेम होती है 80% 90%, लेकिन वो 10% केस का हम क्या करेंगे फिर? अच्छा, उसका जवाब ये है कि हम ना आमतौर पर ये H1 का इस तरह से इस्तेमाल हम नहीं करते। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस बुक में यहाँ से। ठीक है, ये वो तीनों चारों तरीके ये भी बता रहा है, इनलाइन और इंटरनल और ये सारा। एंड हेयर कम्स CSS सेलेक्टर, जिसमें आपकी बात का जवाब छुपा हुआ है। अच्छा, हमने जो अभी CSS का सेलेक्टर इस्तेमाल किया है वो हमने कौन सा किया है? उसको कहते हैं टाइप सेलेक्टर। अब टाइप सेलेक्टर क्या करता है? मैचेस एलिमेंट नेम्स, कि जैसे आप देखें यहाँ पे H1, H2, H3 तीन एलिमेंट का नाम लिखा है। अब जितने भी H1 के एलिमेंट होंगे ना पेज पे, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा और इस ब्रैकेट के दरमियान इसकी स्टाइलिंग हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि और भी यहाँ पे सेलेक्टर हैं, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता हमने। ठीक है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता, लेकिन ये मौजूद है कुछ स्पेशल किस्म के सिनेरियोज़ के लिए, ये भी मौजूद है। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर में कहते हैं कि जी स्टेरिक लगाओगे आप और ब्रैकेट डाल के ना आप जो भी स्टाइल लिखोगे ना वो हर पेज के हर एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही मतलब आप कह लें वाइल्ड कार्ड है ये। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सेलेक्टर है ना वो क्लास सेलेक्टर है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप एक क्लास का एट्रीब्यूट पास करते हैं जी। अच्छा, H1 है तो आप H1 पे स्टाइलिंग नहीं लगाते आमतौर पे, आप बनाते हैं उसकी हेडिंग। क्योंकि आप अगर इस पेज पे वापस आऊँ मैं, जो W3 School दिखाया था मैंने आपको, अब देखें इसमें जो है ना, ये जो इसका जो साइज़ है और इसका जो साइज़ है और इसका जो साइज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके साइज़ में। और आई एम डैम श्योर कि ये H1 तो नहीं है, H1 का साइज़ इससे बड़ा होता है। अच्छा, अगर ये H1 है तो फिर ये क्या है? ठीक है, तो आम तौर पे क्या होता है कि हम ना कभी भी H1 के ऊपर डायरेक्ट हम इस तरह स्टाइलिंग नहीं लगाते, हम बनाते हैं उसकी क्लास। मिसाल के तौर पे मैंने इस वाले को कह दिया, इस वाले के इस वाले जो डिव होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये सही है, डिव होगा या H1 होगा में जो भी होगा बारह, तो अगर ये इवन H1 भी है, क्योंकि उसमें SEO की थोड़ा प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो H1 का इस्तेमाल ज़्यादा कोशिश करते हैं कुछ लोग करने की। ठीक है, होता होता उससे कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन लोगों का ख्याल है। तो अगर ये H1 भी है तो मैं H1 पे स्टाइलिंग लगाने के बजाय मैं इस पे आके दूंगा एक क्लास। अच्छा, तो हम सोचते हैं कि इस पे क्या क्लास लगनी चाहिए, क्लास तो आपकी मर्ज़ी की होती है जो भी आप लगा दें। तो मैंने सोचा कि यार इसको नाम देते हैं क्लास को
टॉपिक हेडिंग, टॉपिक हेडिंग ये मैंने क्लास का नाम रख दिया, वो मैंने इसको दे दिया। अब टॉपिक हेडिंग करके जो है ना मैं सारा स्टाइल अप्लाई करूँगा। अब वो जिस जिस पे टॉपिक हेडिंग लगेगा वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फिर मिसाल के तौर पे ये भी H1 है, हम इमेजिन कर लेते हैं ये जो इसके नीचे है ना HTML बाई अल्फ़ाबेट, ये भी H1 है, इमेजिन कर लेते हैं, हालांकि है तो नहीं। अच्छा, इसको मैंने एक क्लास इसको असाइन कर दी के टॉपिक, ऊपर वाला टॉपिक हेडिंग था, ये टॉपिक है। अब टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की, इतना साइज़ हो जाए, ये फॉन्ट स्टाइल हो जाए, ये कलर हो जाए, ये हवर पे क्या हो जाए, है ना, हवर पे देखें ये बैकग्राउंड कलर अपना चेंज करता है, तो ये सब मैंने बता दिया। अच्छा, फिर इस तरीके से इसके ऊपर मैंने क्लास एक दे दी पेज हेडिंग, इसको क्लास दे दी मैंने पेज सब हेडिंग। अब जिस जिस पेज में भी ये आएगा ना, हर जगह मैं क्लास इसकी मैंशन करूँगा साहब, मैं जिस टेक्स्ट के ऊपर भी लिखूँगा पेज हेडिंग वो ऐसा बन के अपेयर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वो है ना वो क्लास है। अच्छा, क्लास पे कैसे अप्लाई होता है जी, आ जाते हैं हम देखते हैं। अब हम ना वो वाली यहाँ पे चीज़ मिमिक कर लेते हैं, मैंने कह दिया कि जी डिव और टॉपिक वन आता है यहाँ पे HTML रेफरेंस, अब देखिए जी मैंने ना कुछ उसी तरह का यहाँ पे बना लिया है, जैसा कि ये इधर W3 स्कूल में ना HTML रेफरेंस लिखा हुआ है, फिर नीचे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पे H1 का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तो डिव का इस्तेमाल कर दिया। अब चक्कर ये होगा, मैंने डिव पे कोई अगर अप्लाई किया स्टाइल तो वो इन सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा इस पे क्लास का इस्तेमाल करूँगा। और क्लास का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, क्लास का इस्तेमाल रिकमेंडेड है। डायरेक्ट H1 का, डायरेक्ट पैराग्राफ का नाम लिखना जो है वो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और उससे भी ज़्यादा जो रिकमेंडेड चीज़ है वो क्या है कि आप ना सेलेक्टर की कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, वो अभी आगे हम देखेंगे, अभी तो पहले क्लास को हम देखते हैं। लेकिन क्लास पे भी हम डायरेक्ट स्टाइल अप्लाई नहीं करते आमतौर पे, हम आमतौर पे क्या करते हैं सेलेक्टर की कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, अब वो थोड़ी देर में देखते हैं अभी। अच्छा जी, अब आता हूँ मैं इस पर क्लास लगा देता हूँ कि जी आप क्या हो, आप टॉपिक हेडिंग हो, ठीक है, कैमल केस में मैंने ये लिख दिया। अच्छा, बाकी जो ये वाले हैं सारे, इनको मैंने कह दिया कि जी आप ना आप जो है वो टॉपिक हो। अब टॉपिक के ऊपर जो मैं स्टाइल लगाऊंगा ना वो इन सब पे अप्लाई हो जाएगा जो टॉपिक की क्लास वाले हैं, और टॉपिक हेडिंग पे जो लगाऊंगा वो इस पे अप्लाई हो जाएगा, डिव पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। अच्छा, अब देखें आइडियल क्या होगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं बोलूँगा कि जी क्लास टॉपिक हेडिंग। अच्छा, इसके साथ मैं लगाता हूँ डॉट, जब मैं CSS में क्लास के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करने लगता हूँ ना तो मैं लगाता हूँ डॉट, उससे अगर डॉट नहीं लगाऊँगा तो उसको वो नेम का सेलेक्टर समझ रहा होगा अदरवाइज। ठीक है जी, अच्छा इस पे मैं लगा देता हूँ कि जी आपका ना फॉन्ट का जो आप साइज़ हो जाए आपका वो हो जाए 24 पिक्सल, ठीक है, यानी कि थोड़ा बड़ा, यानी जो नॉर्मल फॉन्ट होता है वो 16 पिक्सल का होता है, उससे थोड़ा बड़ा। और साथ में मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ टॉपिक के ऊपर भी ना कुछ बात लिख देता हूँ। अच्छा, सिर्फ टॉपिक जो होगा वो 16 पिक्सल का होगा, और उसका जो कलर होगा ब्लैक से थोड़ा सा मैं डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, तो ये VS कोड में फैसिलिटी मौजूद है कि ये डब्बा बना हुआ आ रहा होता है, इस पर हवर करूँगा मैं जस्ट इस पर अपना हाथ लेके जाऊँगा तो ये मुझे पूरा पैलेट खोल देता है कि जी कौन सा कलर। तो मैंने कहा यार ब्लैक ना थोड़ा कम ब्लैक हो, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं हो। अब देखें ये ब्लैक से मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया, ग्रे कर दिया, ठीक है जी। और हेडिंग जो है वो उसको मैंने कलर का कोई नाम नहीं लिया तो वो बाई डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है पूरा, तो वो ब्लैक रहेगा।
अब हम देखते हैं कि जी दोनों के साथ क्या यहाँ पे इसने किया है। रिफ्रेश किया मैंने, आप देखें ये अप्लाई हो गया इसके ऊपर। अच्छा, लेकिन ये भी रेकमेंडेड नहीं है कि मैं ना एलिमेंट का नाम डायरेक्ट लिखना रेकमेंडेड है, ना क्लास का नाम डायरेक्ट लिखना रेकमेंडेड है। रेकमेंडेड जो तरीका है वो ये है कि सेलेक्टर की कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्टर के कॉम्बिनेशन के लिए मैं कहूँगा div डॉट टॉपिक हेडिंग, कि वो वाला div जिस पे ये क्लास लगी हुई है। यहाँ पे इन्होंने सेलेक्टर जहाँ पे बुक में बताया है वहाँ पे भी आप देखें इस तरह से बताया है। इसने कहा यार डायरेक्ट नोट लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लिखेंगे पैराग्राफ डॉट नोट, कि जी वो पैराग्राफ जिस पे नोट वाला क्लास लगी हुई है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब सिक्योरिटी उस सेंस में कि जाहिर है अभी क्लास का नाम कितना यूनिक हो जाएगा, एक क्लास का नाम जो आपने रखा है वो एक हद तक ही यूनिक होगा। तो सम टाइम क्या होता है कि बड़ी ऐप्स होती हैं, दो चार लोग काम कर रहे होते हैं, तो एक ही जैसे नाम की क्लास दो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो तो फिर आपस में मसला कर जाएगा। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टर जो है ना, दैट इज़ रेकमेंडेड। कभी भी आप एक सेलेक्टर पे आप डिपेंड नहीं करते हैं, आमतौर पे आप दो लगाते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि div डॉट और ये क्या बोल रहा है मेरे से बार बार, हाँ ठीक है जी, तो div डॉट करके लगा दिया कि जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ऐसा करने से क्या होगा कि अगर कोई पैराग्राफ होगा उसके ऊपर टॉपिक लगा हुआ होगा ना, उस पर ही अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, करके देखते हैं। यही पैराग्राफ मैंने कर दिया इसको, और इसमें कुछ पैराग्राफ का टेक्स्ट भी ले आता हूँ। इस पैराग्राफ में मैंने कोई टेक्स्ट भी ला के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, बावजूद इसके कि इस पर क्लास लगी हुई है टॉपिक, लेकिन ये मेरा वाला स्टाइल इस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि डिव पे लगाओ, लेकिन उस डिव पे जिस पे टॉपिक लगा हुआ हो। तो ये जो है वो लगा हुआ तो है टॉपिक, लेकिन ये तो पैराग्राफ है, तो इस पे वो अप्लाई नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या होता है जी। रिफ्रेश किया मैंने, इस पैराग्राफ पे देखिए क्या लग के आ गया। इस पैराग्राफ पे जो है वो, यार ये क्या हुआ, उस पे से भी हट गया ये तो। अच्छा, वो स्पेस नहीं डालना था, स्पेस डाल दिया था मैंने, सही है। तो टॉपिक जो डिव जिस पे टॉपिक लगा हुआ था क्लास, वो ऐसा कर दिया उसने, और जो पैराग्राफ था ना उस पे टॉपिक लगा हुआ था उस पे उसने वो वाला स्टाइल को अप्लाई नहीं किया। बल्कि मैंने ऊपर एक जगह पे जो लिखा था ना कि जी तमाम पैराग्राफ के ऊपर आप बॉर्डर लगा दो, वो इस पे अप्लाई हो गया, क्योंकि ये उस पे ये वाला जो आइटम था ना ये इस पे अप्लाई हो गया, क्योंकि वो तमाम पैराग्राफ का जिक्र था, तो पैराग्राफ तो जी है वो। तो हमेशा हमने सेलेक्टर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं एक सेलेक्टर और, ज़रा देख लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यहीं तक नहीं रखते बल्कि आप सब लोग इसको अभी अपने हाथ से करके देखेंगे। आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर क्या होता है जी, कि आपने ना कोई भी एलिमेंट बनाया, आप उसको आईडी के ज़रिए भी टारगेट कर सकते हैं, उसकी कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है जिसके ज़रिए आप टारगेट करेंगे। अच्छा, क्लास के बारे में जैसे देखें आपने, मैं दो तीन चार एलिमेंट पे मैंने लगा दिया, आईडी का चक्कर ये है कि वो एक ही एलिमेंट पे लग सकता है। एक से ज़्यादा एलिमेंट पे अगर मैं लगाता हूँ किसी आईडी को, तो HTML के रूल के ख़िलाफ़ है। ठीक है, वो हो सकता है लग जाए, हो सकता है चल जाए, क्योंकि HTML के अंदर एरर नहीं आता, वो या तो चल जाता है या तो नहीं चलता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम HTML के रूल के मुताबिक उसको फॉलो करके चलें। ठीक है, तो अगर दो एलिमेंट पे आपने आईडी एक जैसी लगा दी है, तो हो सकता है वो दोनों पे, स्टाइलिंग की हद तक की बात है, हो सकता है दोनों पे अप्लाई कर दे, बट दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड कि आप ना एक आईडी को दो जगह दें। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इन टॉपिक्स में से, इन छह टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे ना रैंडमली एक आईडी असाइन कर देता हूँ मैं, सही है, यूनिक 234, सही है, यूनिक 234 मैंने एक आईडी दे दी। मेरी मर्ज़ी की कोई भी आईडी हो सकती है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। अब इस आईडी के ज़रिए ना मैं इस पर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। अभी आप देखें, अभी तो सारे ये 1 से लेके 6 तक एक जैसे दिखते हैं ना,
मैंने आके बोला कि जी आप ना जो ये यूनी क्या लिखा था मैंने मुश्किल सा 234 234, अब इस पे मैं कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ, बट ये क्योंकि आईडी है इसमें हैश लगाना पड़ेगा। क्लास होता तो मैं डॉट लगाता, आईडी पे मैं हैश लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आईडी एक ऐसा सेलेक्टर है जिसको आप अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आईडी एक ही एलिमेंट पे होता है, दो एलिमेंट पे एक साथ नहीं होता आमतौर पर। और मैंने यहाँ पर आके इसको क्या दे दिया कि जी इसको बैकग्राउंड कलर, और मैंने कर दिया कि जी भाई आपका ना रेड हो जाए, ठीक है। मैंने यूनिकली इसको आइडेंटिफाई करके, पिन पॉइंट करके मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करवा दिया, ठीक है। तो किसी भी यूनिक किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करके उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ना आईडी का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज आईडी और क्लास का जो बिहेवियर है वो तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन जस्ट फ़र्क ये है कि आईडी एक एलिमेंट पर होता है, क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट पर लगाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड जो है ना थोड़ा सा हो गया है, सेलेक्टर को थोड़ा सा हमने देख लिया है। जो अब इसमें आगे मज़ीद जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हाउ सीएसएस रूल कैस्केड, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये कुछ मज़ीद सेलेक्टर्स हैं, इसको आप ख़ुद से पढ़ लीजिएगा। हाउएवर नेक्स्ट क्लास में मैं ये मज़ीद जो बचे हुए सेलेक्टर हैं, जैसे चाइल्ड सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और अभी हमारे पास कितना टाइम है हमारे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हैं। तो आप सब लोग क्या करें, ये वाला जो काम है ना कि जी एक HTML फाइल बना के, एक CSS लगा के, उस पर अप्लाई करके, तो वो CV वाला असाइनमेंट आप सब लोगों ने बनाया होगा, CV वाली वेबसाइट, तो उस पर जो है ना आप ज़रा इसको करके देखें, अपने CV पे कलर लगा लें, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ये दो चीज़ एटलीस्ट इतना तो आप सीख ही गए। और भी बुक में वो सारे आगे हैं प्रॉपर्टीज़ के जी, अच्छा वो शेडो भी लग जाता है और वो जो है ना बॉर्डर भी लग जाता है, वो सब है बुक में आगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि जी आपने ना कम से कम एक स्टाइल लगाना है, मैक्सिमम जितना आप करना चाहें वो आपके ऊपर है, ठीक है जी। चलें।